इधर रायपुर में भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसमें कांग्रेस पार्टी समेत अन्य पार्टियों के बड़े नेताओं के भाजपा में प्रवेश पर मंथन किया गया। बीजेपी नेता विमल चोपड़ा ने ये बताया है कि जो भाजपा के सिद्धांतों से सहमत है और भाजपा में प्रवेश करना चाहते हैं, एंट्री लेना चाहते हैं, उन्हें लेकर प्रदेश और जिला स्तर पर एक प्रवेश समिति बना दी गई है। उधर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रवेश समिति पर तंज कसा और कहा, पहली बात तो यह कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बीजेपी में जाना नहीं चाहता, जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। राजनीति है और राजनीति में अपने कुंडे को बढ़ाने का काम हर पार्टी करती है और हम ऐसे लोग को लेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांतों से सहमत हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस भी यदि हमारी नीति और सिद्धांतों से सहमत है और भाजपा में आना चाहती तो हमको कोई आपत्ति नहीं। तो ऐसे कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के नेता संपर्क में हैं, लोकसभा से पहले ऐसा प्रवेश हो सकता है? जी जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो हैं कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता और दूसरी पार्टियों के नेता वो भारतीय जनता पार्टी में शीघ्र प्रवेश करेंगे।